कुछ देख रहा है? कुछ देख रहा है? जो देख रहा है उसको ड्रॉ कर लेंगे. कैसा देख रहा है? शनिवार देख रहे हो? चश्मे वालों के साथ कुछ नहीं ज्यादा पास का चश्मा उतार ले. बना लिया? ठीक है, क्लियर है. जो चीज आपको दिखाई गई है वो मैं आपके पास लेके आ रहा हूँ. Now you pause this. Yeah? Right? Okay. Just see. कि आपको क्या दिखा और वो क्या था. ये सब आपने देखा हुआ. क्या देखा? पॉइंट में कोई लाइन बनाओ तो पिक्सल्स लाइन कैसे दिखती है? आपको ऐसे करके दिखती है ना, ऐसे स्क्वायर बने होते हैं. लाइन ऐसे दिखती है अगर आप उसे इलाज करेंगे तो. एक्चुअली ये लाइन ऐसी है लेकिन आपको ऐसे दिखते हैं. ओके, ठीक है. अब आपको जो एक्चुअल में दिख रहा था वो कुछ इस टाइप की चीज दिख रही थी. पॉइंट मान रहा था यहाँ पर कुछ ऐसा दिखा होगा या हो सकता है इस टाइप में दिखा हो. क्लियर है? ये समझ में आया? बट अगर मैं इसको इनलार्ज करूं तो यहां पे मेरा क्या होगा? A small change in y with a small change in x. There is a step. ये पॉइंट जो है ये मेरा ये है. इसको इनलार्ज किया तो ये कुछ ऐसा दिखता है. That means there is a change in y with change in x. Although that x and y are very very small. तो इसके लिए कहते हैं डेल्टा x tending towards zero, डेल्टा y also tending towards zero. या डेल्टा x में पहले x में हल्का सा चेंज है. ओके, एक दूसरे ढंग से पॉज किया आप हम से आप समझिएगा इसको. मान लीजिए ये मेरे पास एक का. ओके, ये एक पॉइंट है, ये दो पॉइंट. आपको पता है स्लोप किससे निकाली जाती है? दो पॉइंट से. स्लोप दो पॉइंट से निकाली. क्लियर है ना? तभी तो डेल्टा वाई आएगा और डेल्टा एक्स आएगा. तो दो पॉइंट पे ये पॉइंट है एक्स वन वाई वन और ये पॉइंट है एक्स टू वाई टू और ये क्या हो गया बता और एक लाइन मान लीजिए ऐसे करके कट कर रही. क्लियर है? ठीक है, ओके. अब क्या आपको लगता है कि यहां की स्लोप इस स्लोप के बराबर है? नहीं, यहां पे ज्यादा तेज है, यहां पे कम तेज. तो काम करते इन दोनों पॉइंट को थोड़ा सा क्लोज ले आते. नाउ वी विल ट्राई टू शिफ्ट दिस पॉइंट टू समवेयर हियर. ओके, क्या होगा? लाइन मेरी ऐसे आ जाएगी. नाउ यू कैन सी दिस स्लोप इज वेरी क्लोज टू दिस स्लोप. मेरी चौक थोड़ी सी थिक है इसलिए वो बड़ा बन रहा है. ठीक है, अदरवाइज अगर मैं इसको और पॉइंट देखूं तो अभी भी आप देखोगे ये लाइन मेरी ये आ रही है और ये कर्व मेरा ये आ रहा है. स्टिल माय स्लोप इज नॉट इक्वल टू स्लोप ऑफ दिस. ये कब इक्वल होगी? हाँ, ये तो पढ़ा है. दोनों पॉइंट कहां पे? ये एक पॉइंट है. ओके, इस पे एक पॉइंट ये रहा और एक पॉइंट ये रहा. अभी इलाज करके मैंने आपको दिखाया. ओके, और अगर मैं इन दोनों पॉइंट से एक लाइन पास करूं तो इसे क्या कहेंगे? इस कर्व के लिए ये किसके पास हो रही है? एक पॉइंट से. बट उस पॉइंट पे मैंने क्या किया? दो पॉइंट ले लिए.
समझ में आया? तो इस कर्व की इस पॉइंट में स्लोप क्या होगी? वही होगी जो इसकी टेंजेंट थी स्लोप। समझ में आया? अब आप क्या करें, एक्स एक्सिस लीजिए, इसके साथ एंगल थीटा निकालिए, ठीक है, लिख लीजिएगा स्लोप ऑफ अ कर्व, स्लोप ऑफ अ कर्व एट एनी पॉइंट, स्लोप ऑफ अ कर्व एट एनी पॉइंट, is same as slope of tangent drawn at that point. Is it clear to everyone? Okay, now see, they have a curve like this. पहला क्वेश्चन जो था ए पॉइंट बी पॉइंट सी पॉइंट, वैसे तो दिख ही रहा था, कॉमन सेंस तो कही रहा था, लेकिन अब क्या होगा, यहां पे टेंजेंट बनाएंगे, यहां पे टेंजेंट बनाएंगे, टेंजेंट ए बी पॉइंट को टच करती है। हाँ, हमने उसमें दो पॉइंट बनाए, इज इट क्लियर? अब किसकी स्लोप ज्यादा है? सी की। तीनों पॉजिटिव है या कोई पॉजिटिव नेगेटिव अलग अलग है? तीनों पॉजिटिव है। समझ में आ गई? इसका मतलब जब मैं आगे बढ़ रहा हूं तो यहां पे मेरी स्लोप कम है, और आगे गया तो स्लोप बढ़ गई, यहां गया तो स्लोप बढ़ती जा रही है। समझ में आया? ओके, चलिए एक चीज और देखते हैं। Now we have a point A, we have point B, we have point C, we have point D, D, F, G, H, I, J, K, L, M, or whatever. Okay? Now this is a question. Here. A base slope positive hai, negative hai, kya? Positive. Positive. Kaise pata chala? यहां पर आपने टेंजेंट की, फिर कोई डाउट तो नहीं? ओके, बी पे स्लोप कैसी है हर्ष? जीरो। वेरी गुड। समझ में आया कि नहीं? बी पे जब टेंजेंट खींचेंगे तो ऐसे मिलेंगे टॉपमोस्ट पॉइंट पे, तो स्लोप कैसी होगी? सी पे स्लोप कैसी है? नेगेटिव। डी पे स्लोप कैसी है? ई पे स्लोप कैसी है? एफ पे स्लोप कैसी है? करते जाना बराबर। एक छोटी सी लाइन के साथ आज का लेक्चर एंड करते हैं। स्लोप ऑफ अ कर्व एट एनी पॉइंट इज गिवन बाय लिमिट। किसकी लिमिट? डेल्टा एक्स की लिमिट। आपने क्या की? जितनी छोटी कर सकते हो, तभी तो वो दोनों पॉइंट एक ही पॉइंट पे आएंगे। ओके, 0.00001 मिलीमीटर
बहुत ज्यादा जा सकते हो आपके ऊपर है 1 नैनोमीटर इट्स अप टू यू जितना ज्यादा जाएंगे उतनी एक्यूरेसी ज्यादा ओके समझ में आया तो एक्चुअली ये वही चीज है डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स बट व्हाट इज अवर डेल्टा एक्स वेरी स्मॉल दिस इज डेल्टा एक्स टेंड्स टुवर्ड्स जीरो छोटा होगा और छोटा अब छोटा होने में क्या होगा अगर आप कहते हो कि 0.001 ये छोटा है तो दूसरा कोई ये कह सकता है 0.00001 इससे भी एक लिमिट होगी हर एक कि आप कहां तक जा सकते हैं ओके बट जितना छोटा आप लेंगे उतनी एक्यूरेसी ज्यादा आएगी ओके एंड दिस इज नोन एज डीवाइड बाय डीएक्स That is differentiation of y with respect to x. Okay, next class, differentiation. Thank you.